बारे में सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। नौकरी तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है, अफसोस किस बात का। हाँ मगर आइंदा आप करेंगे क्या? मैं दिल्ली जा रहा हूँ प्रोफेसर। एहसान एक तरह का कर्ज होता है। आपने हमारे बिगड़े हुए बच्चों को समझदार और जिम्मेदार बनाकर हम पर एहसान किया है और आज यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम आपका कर्ज उतार दें। धन्यवाद इस ऊंचे ख्याल का लोगों साहब, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं समझा। हमने एक स्कीम सोची है, सूरज बैंक खोलेंगे। हुकूमत कानून इस कदर सख्त करती जा रही है कि हम एकाएक अपने दो नंबर के धंधे को बंद करके एक नंबर में नहीं बदल सकते। कल 1000 के नोट का चलन बंद हुआ, आइंदा कुछ भी हो सकता है। हमारे एक आदमी की गलती से पिछले हफ्ते हमें 50 लाख का नुकसान हुआ। बैंक के खुल जाने से हमारा काला रुपया उछला हो सकता है, पब्लिक का रुपया हमारे कब्जे में होगा और हम जो चाहे कर सकेंगे। लेकिन आप मुझसे चाहते क्या है? ये जिंदगी भी एक अजीब खेल है प्रोफेसर। इस खेल में बेवकूफ, कायर और अपाहिज तमाशा देखते हैं और अकलमंद, हौसलामंद और बहादुर कूद पड़ते हैं। ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी की बुलंदी पर पहुंचना नहीं चाहता? हम भी तुम्हें जिंदगी की उस बुलंदी पर बिठाना चाहते हैं। आज के बाद तुम हमारे सूरत बैंक के चीफ हो, वहां तुम्हारा ही राज चलेगा। मुझसे ये उम्मीद लगाकर लोगों साहब तुम अनजाने में मेरी बेइज्जती कर बैठे हो। मेरे जमीर की, मेरे विचारों की, मेरी जिंदगी के हर मकसद की। प्रोफेसर साहब देखिए, आप तो लोगों साहब की सारी दलीलों को चूना लगा देते हो आराम से, लेकिन जरा सोचिए कि ये बात के जायज के साथ नाजायज बच्चे भी होते आराम से, जिनसे मेरा शर्मिंदा रहता है। तो भाई इसी तरह हमारा भी जायज और नाजायज धन उन्हीं बच्चों की तरह है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजायज धन को जायज बना दो आराम से और मेरे ख्याल में इस नेक काम में आपको कोई रीच रीच हिचकिचाहट तो नहीं होनी चाहिए। तुमने ये कैसे सोच लिया भाकड़ी कि मैं तुम्हारे नाजायज बच्चों का बाप बनने को तैयार हूँ? प्रोफेसर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बुरे की सोबत में बिगड़ सकता है तो फिर एक बुरा इंसान अच्छे की सोबत में सुधर भी सकता है। अब ये बेचारा प्रोफेसर इन बूढ़े तोतों को क्या पढ़ाएगा? हमारे बच्चों को पढ़ाकर अगर तुमने अपने आप को महात्मा समझ लिया तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। वो पढ़ाई सिर्फ बहाना थी तुमसे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। हमारे फैसले अमल करने के लिए हुआ करते हैं प्रोफेसर। कल से तुम अपना काम शुरू कर दो। हुक्म लेता नहीं प्रोफेसर, हुक्म देता है। और फिर तुमने सुना होगा तेजा कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जबान लंबी हो जाती है। प्रोफेसर, हम चाहते हैं आप दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं। आप अपना फैसला 2 दिन बाद सुना सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी छोटी सी हार का। तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा वो रात तुम्हारे नौकर के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। सुनकर हमें बहुत तुम्हारे बारे में सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। नौकरी तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है, अफसोस किस बात का। हाँ मगर आइंदा आप करेंगे क्या? मैं दिल्ली जा रहा हूँ प्रोफेसर। एहसान एक तरह का कर्ज होता है। आपने हमारे बिगड़े हुए बच्चों को समझदार और जिम्मेदार बनाकर हम पर एहसान किया है और आज यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम आपका कर्ज उतार दें। धन्यवाद इस ऊंचे ख्याल का लोगों साहब, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं समझा। हमने एक स्कीम सोची है, सूरज बैंक खोलेंगे। हुकूमत कानून इस कदर सख्त करती जा रही है
कि हम एकाएक अपने दो नंबर के धंधे को बंद करके एक नंबर में नहीं बदल सकते। कल हजार के नोट का चलन बंद हुआ, आइंदा कुछ भी हो सकता है। हमारे एक आदमी की गलती से पिछले हफ्ते हमें 50 लाख का नुकसान हुआ। बैंक के खुल जाने से हमारा काला रुपया उजला हो सकता है, पब्लिक का रुपया हमारे कब्जे में होगा और हम जो चाहे कर सकेंगे। लेकिन आप मुझसे चाहते क्या है? ये जिंदगी भी एक अजीब खेल है प्रोफेसर। इस खेल में बेवकूफ, कायर और अपाहिज तमाशा देखते हैं और अकलमंद, हौसलामंद और बहादुर कूद पड़ते हैं। ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी की बुलंदी तक पहुंचना नहीं चाहता? हम भी तुम्हें जिंदगी की उस बुलंदी पर बिठाना चाहते हैं। आज के बाद तुम हमारे सूरत बैंक के चीफ हो, वहां तुम्हारा ही राज चलेगा। मुझसे ये उम्मीद लगाकर लोगों से हार तुम अनजाने में मेरी बेइज्जती कर बैठे हो। मेरे जमीर की, मेरे विचारों की, मेरी जिंदगी के हर मकसद की। प्रोफेसर साहब देखिए, आप तो लोगों साहब की सारी दलीलों को चूना लगा देते हो आराम से, लेकिन जरा सोचिए, ये बात के जायज के साथ नाजायज बच्चे भी होते हैं आराम से, जिनसे मेरा शर्मिंदा रहता है। तो भाई इसी तरह हमारा भी जायज और नाजायज धन उन्हीं बच्चों की तरह है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजायज धन को जायज बना दो आराम से, और मेरे ख्याल में इस नेक काम में आपको कोई रीच रीच हिचकिचाहट तो नहीं होनी चाहिए। तुमने कैसे सोच लिया भाखड़ी कि मैं तुम्हारे नाजायज बच्चों का बाप बनने को तैयार हूँ? प्रोफेसर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बुरे की सोबत में बिगड़ सकता है तो फिर एक बुरा इंसान अच्छे की सोबत में सुधर भी सकता है। आपने बेचारा प्रोफेसर इन बूढ़े तोतों को क्या पढ़ाएगा? हमारे बच्चों को पढ़ाकर अगर तुमने अपने आप को महात्मा समझ लिया तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। वो पढ़ाई सिर्फ बहाना थी तुमसे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। हमारे फैसले अमल करने के लिए हुआ करते हैं प्रोफेसर। कल से तुम अपना काम शुरू कर दो। हुक्म लेता नहीं तो प्रोफेसर हुक्म देता है। और फिर तुमने सुना होगा तेजा कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जबान लंबी हो जाती है। प्रोफेसर, हम चाहते हैं आप दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं। आप उसका फैसला 2 दिन बाद सुना सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी छोटी सी हार का। तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा वो रात तुम्हारे नौकर के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वो रात तुम्हारे नौकर के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।